गौतम गंभीर साहब ने कुछ सोच समझ के इन दो रणबांकुरों को बुलाया है श्रीलंका के अंदर नेस्तनाबूद करने के लिए इनको। रियान पराग इतने पक्के कब से हो गए भाई? आपने ऐसे बोले केएल राहुल को, ऐसे बोल दिया जैसे पता नहीं घर का कोई ऐसे वो नहीं मतलब फर्नीचर हो। वो घोड़ा कैसे करते हो कैसे करते हो? आपको लग रहा है हर्षित राणा को मौका मिलेगा इस सीरीज में? हर्षित राणा को यार जब आखिरी और राणा जी का एटीट्यूड ऐसा जैसे इन्होंने बताया कि ऑपोजिशन वाली टीम बोलती है मुझको राणा जी माफ करना। हाँ मतलब गलती मारे से हो गई। श्रीलंका को बता दें कि डैडी कौन है तो यार कैसे ईशान किशन जैसी बातें कर रहे हैं। शर्मा जी की फोटोएं वायरल हो रही है, लोग कह रहे हैं उसे फोटोशॉप। हाँ जी, तो क्या इस सीरीज में भी श्रीलंका हो जाएगी फ्लॉप? बिल्कुल होना चाहिए, यही दुआ है कि भाई अब श्रीलंका चलनी नहीं चाहिए, इनकी लंका दोबारा लगानी चाहिए। ये जो हमारे भाई अहमद थोड़ी जा रहे हैं यार, विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्यों परेशान करा है? गौतम गंभीर साहब ने कुछ सोच समझ के इन दो रणबांकुरों को बुलाया है श्रीलंका के अंदर नेस्तनाबूद करने के लिए इनको। बिल्कुल, और जब मोहम्मद सिराज नहीं बहुत बढ़िया किया, थैंक्स। मैं तो कह रहा हूँ उससे भी आगे है तो बोल दो वो भी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एवी एडिटर साहब गुस्सा होते कहते काम ज्यादा करा रहे हो। अच्छा ठीक है, तो रीले दिखाते हैं कहते देख एडिटर पे रील है। ओके चलो इंटरनल जोक हो गए। तो अब मोहम्मद सिराज की बात करें, उनके लिए जो है ना वो 11 लोग नहीं है मोहम्मद सिराज के लिए। अच्छा। वो 11 बिरयानी की प्लेटें हैं। तो भाई ये टी20 में क्या हुआ था यार? कोई बात नहीं यार, विकेट ही नहीं मिल रही उनको भाई ले दे के, मतलब इतनी मुश्किल हो गई थी उनको। इतनी हालत खराब हो गई थर्ड टी20 के अंदर, उनका ओवर का कोटा पूरा नहीं कराया। सूर्या भाई को कहते हैं इससे अच्छा तो मैं खुद डाल लूंगा, रिंकू से डलवा लूंगा। नहीं, आप श्रीलंका बैट्समैन की भी तारीफ कर सकते थे, वो भी खेलने आए, कंचे थोड़ी खेल रहे हैं वो। अच्छा कंचे नहीं खेल रहे वो? नहीं नहीं। क्या कह रहे हो यार? मुझे तो पता चला था कि उनके बेचारों के मतलब क्या इकोनॉमी थोड़ी सी डावाडोल हो गई थी। हाँ तो तभी तो हमने ये टूर रखा बीसीसीआई वालों ने, थोड़ा सा पैसा पुसा आए। देखो पैसा उन्हीं के पास आएगा, मेरे ख्याल अपने पास तो क्या हम मदद करते हैं, दुआवा चाहिए। हाँ जी हाँ जी, तो ऐसा है पहला ओडीआई है और हम बताने आए हैं कि हमारे मुताबिक क्या हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। सही बात है जी, दसो फिर आप शुरू करो। ठीक है जी, ओपनिंग में रोहित शर्मा, शुभमन गिल। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही ये बहुत ही चिंतन और मंथन के बाद मेरे को ये लगा कि ओपनिंग में शर्मा जी और शुभमन गिल आएंगे। तो इस बार आपको नहीं लगता कि विराट कोहली को फिर से ओपन करने भेजेंगे? भाई मत करो, बस करो यार। वो जो आजकल वो मीम नहीं आते, 5-6 लोग ऐसे होते भाई रहम फर्स्ट डाउन पे आओ कोहली भाई, वो भी तो आते बंद करो, वही तो बंद करो। अच्छा ओ अच्छा वो जो जर्नलिस्ट साहब थे। हाँ वो समझ बंद करो। हाँ बंद करो। तो वन डाउन पे आ गए अपने कोहली जी, कोहली साहब आ गए। ठीक है, सेकंड डाउन में आप ले आओ केएल राहुल को। भाई इतने दिनों बाद वापसी करा रहे हो, मैच नहीं खिलाओगे? चलो ठीक है यार। आपने ऐसे बोले केएल राहुल को, ऐसे बोल दिया जैसे पता नहीं घर का कोई ऐसे वो नहीं मतलब फर्नीचर हो। ऐसी बात नहीं, फर्नीचर नहीं बोल रहा मैं, केएल बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत भी तो है, मतलब ऐसा नहीं लगा आपको कि शायद पंत को पहले भेजे या केएल राहुल को बाद में, कैसे करना है? मतलब मैं बताता हूँ, मैंने ना पूरी रात लगा के गूगल से चुरा के टीम लिखी है। अरे क्या बात कर रहे हो। हाँ जी, तो अपना सेकेंड डाउन केएल राहुल, फिफ्थ नंबर पे श्रेयस अय्यर। अच्छा। क्योंकि शर्मा जी नेट प्रैक्टिस में उनको पर्सनली पुल शॉट मारना सिखा रहे थे, तो मुझे लग रहा है वो तो खेलेंगे भाई। ये तो पुल शॉट तो मतलब जरूरी है उनके लिए, क्योंकि शॉर्ट बॉल में श्रेयस अय्यर इतने लंबे टाइम के बाद आए, लेकिन शॉर्ट बॉल और श्रेयस अय्यर स्टिल अ बेटर हेट स्टोरी देन ट्वाइलाइट। लव स्टोरी तो नहीं कह सकते भाई साहब, ट्वाइलाइट तो, अरे वो 10 साल पुराने मीम भी लेके आते हैं हम, अंग्रेजी यादों की शौकीन है अभिषेक जी। अजी म्यूट पे देखते हैं। अरे वाह, फिर साहब समझो कौन सी फिल्मों के शौकीन है आप। नहीं। हाँ जी, तो श्रेयस अय्यर के बाद मैं जो रख रहा हूँ रियान पराग को रख रहा हूँ। रियान पराग, हाँ वाह जी वाह। और बताइए। रियान पराग, फिर अक्षर पटेल, ठीक है जी, फिर वॉशिंगटन सुंदर या खलील अहमद, ओके जी, उसके बाद कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। टीम तो अच्छी है वैसे, क्योंकि इस लास्ट मैच जो इंडिया ने इस ग्राउंड पे खेला था प्रेमदासा स्टेडियम में 356 रन ठोक दिए थे हमने पाकिस्तान के खिलाफ। अरे शिवम दुबे की जगह लग रही है आपको वैसे कहीं पे? यार शिवम दुबे ना, अब देखो स्पिनर्स पिच है वो। हाँ तो शिवम दुबे अगर खेलेगा तो आई डाउट कि उसको ओवर मिले। तो उनको तो नहीं ओवर मिले, बट वो तो स्पिन बैशर माने जाते हैं ना। अच्छा स्पिन बैशर नहीं, मैं रियान पराग को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर टी20 में हमने देखा कि उसका पूरे कोटा उसको दे रहे हैं स्पिनर का, तो मुझे लग रहा है वो वनडे में भी टेस्ट करेंगे। तो क्या आपको लगता है टीम इंडिया के अंदर भी वो हाल हो गया जो पहले आईपीएल में होता था कि राजस्थान की टीम बनती थी, एक रियान पराग बाकी 10 और तो अब टीम इंडिया के अंदर भी वही हाल हो गया कि एक रियान पराग बाकी 10 और विराट कोहली और रोहित शर्मा भी अदर्स में आ गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, खुदा का खौफ खाओ यार। रियान पराग इंटरनेट सीकिंग पिक्चर्स गाय वर्सेस आप जिन्होंने 13,000 रन मारी, 10,000 रन मार लिए आप अदर्स, अब अदर्स कह रहे हो उनको। मैं तो कह रहा हूँ रियान पराग इतने पक्के कब से हो गए भाई। और भाई फोटो तो वही यही ढूंढ रहे थे ना, विराट कोहली हॉट शॉट्स, रोहित शर्मा हॉट पुल्स, यही तो ढूंढ रहे थे। हाँ, म्यूजिक भी तो लगा, कौन सी थी वो जो महेश मोजकर का आजकल म्यूजिक चल रहा है। अच्छा, नाइस 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 नाइस। नहीं वो वाली म्यूजिक भी लगा रहे हैं वो तो, उसके गाने भी ढूंढ रहे थे, हॉट सॉन्ग्स एमीवे बंटाए। अच्छा, वो भी ढूंढ रहे थे। आप बार-बार हॉट क्यों यूज कर रहे हो यार, उन्होंने यूज करे हुए थे ना, मैं इस करके याद आ रहा है मेरे को। चलो अच्छा, जब मैंने टीम बना दी है आप अपनी भी तो बताओ। चलो आप मेरे ही केस ले रहे हो। नहीं नहीं केस नहीं ले रहा मैं, कैसी बातें कर रहे हो यार आप सोचो, मैं कह रहा हूँ रियान पराग प्लस 10 अदर्स। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ यार। नहीं मुझे क्योंकि ये लग रहा है रियान पराग ने ना थोड़ा इंटेंट दिखाया और बहुत एटीट्यूड में बॉलिंग की है यार, ये बात तो फैक्ट है। वैसे ये गुस्से में रह रहा है आजकल वो, नहीं अच्छी बात है। पता है जिस तरीके से अगर बैटिंग में नहीं भी परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट तीसरे T20 मैच के अंदर तो बंदे ने रुक के वहां पे इंटेंट दिखाई, तो उसने कम से कम ये तो जता दिया कि भाई मैं ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। भले बाहर जाके मैं कितने बकवास इंटरव्यूज दे दूं उसकी वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लगाम जो है इस घोड़े की वो जीजी साहब के पास रहती है, गौतम गंभीर। वो घोड़ा कैसे करते हो कैसे करते तो गंभीर साहब जो है ऐसे बहुत सारी जो ये लगाम होती है अपने हाथ में रखते हैं, तो वहां पे ये ज्यादा फैलते नहीं है। अच्छा आपने प्रोग्रेस देखी रियान पराग की भी, और आगे फ्यूचर रेडी कर रहे हो उन्हें। बिल्कुल, ये गौतम गंभीर के एरा की टीम है, नए भारत की टीम है, नए गंभीर गंभीर नई टीम है। हाँ मतलब ठीक है, चलो तो इसमें मुझे लग रहा है कि रियान पराग बाकी एक कॉम्बिनेशन मैं बता दूं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। बाकी आप मतलब देख सकते हो इसमें कि ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, ठीक है जी, और वॉशी, अक्षर, रियान आ चुके हैं, और अर्शदीप, सिराज, कुलदीप। ओके, आपको लग रहा है हर्षित राणा को मौका मिलेगा इस सीरीज में? हर्षित राणा को यार जब आखिरी अब नहीं करेंगे। एक बारी करा था, बड़ा भारी पड़ा था। याद दिला दें आईपीएल में उन्होंने ऐसी सेंड ऑफ किया था अपने अय्यर को ही किया था शायद यार, लेकिन मेरे को हर्षित राणा इस मामले में पसंद पड़ा है। ये बंदा जाके जो बाद में जो जब इनका दूसरा टूर्नामेंट चल रहा था जूनियर वाला, वहां जाकर भी जो बांग्लादेश के प्लेयर्स को इन्होंने जाके बताया कि दिल्ली वाले लॉन्डो से कैसे बात करी जाती है, तो फिर जो उन्होंने बाद में अकेले खड़े होके पूरी टीम को बाद में ऐसी की तैसी कर दी थी। यहाँ तो कोच साहब भी गंभीर साहब हैं दिल्ली के, इधर अपने जो लीडिंग बैटर हैं हमारे वो भी कोहली साहब हैं दिल्ली के। बड़ी पाई हैं तुसी? ओ नहीं यार शादी वाली है। अच्छा हाँ, मैं कह रहा हूँ इधर अपना कोहली साहब है दिल्ली वाले, और इधर राणा साहब हैं, ये बैक संभालेंगे। और राणा जी का एटीट्यूड ऐसा जैसे इन्होंने बताया कि ऑपोजिशन वाली टीम बोलती है मुझको राणा जी माफ करना। हाँ मतलब गलती मारे से हो गई, सही बात है। वो नहीं मानते तो दो मुंह पे मारते हैं, फिर बाद में बताते हैं बता गलती किसकी है। नहीं तो अब बताओ ना, राणा जी को मौका मिल सकता है क्या? यार मिल सकता है, एक बार बस सीरीज हाथ में कर लें, ठीक है ना। जैसे जैसे आपने ये देखा कि तीसरे T20 के अंदर जैसे एक बार सीरीज हाथ में आ गई तो जितने भी बेंच स्ट्रेंथ थी उन सबको मौका मिल गया, तो वैसे ही मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बारी जो पहले दो मैच के अंदर एक बार जीत जाए तसल्ली बख्श, श्रीलंका को बता दें कि डैडी कौन है, तो मैं वो थोड़ा सा मतलब ऐसी ठीक है कोई बात नहीं, बड़ी टीम है, हैवीवेट टीम है, अच्छा कर लेंगे। मैं कह रहा श्रीलंका को एक बार हैवीवेट का क्या मतलब, हमारे शर्मा जी कैप्टन तो हैवीवेट टीम आप बोलोगे। नहीं हैवीवेट तो मैं हूँ, हमारी टीम फिगरेटिवली हैवीवेट नहीं है। अच्छा आप इजीली विजिबल है। ओह आई हैव मोर ग्रेविटेशनल पावर। पॉजिटिविटी देखिए हर चीज में, बिल्कुल पॉजिटिव है, और इसीलिए मैं पॉजिटिव हूं कि तीसरे ओडीआई के अंदर आपको बेंच स्ट्रेंथ जो है टेस्ट होती हुई दिख जाएगी। हर्षित राणा भी आपको हो सकता है वहां पे खेलते हुए दिख जाए। अच्छा और बढ़िया हो जाएगा। मैंने अपनी टीम में पंत को जगह नहीं दी थी। अच्छा आपने दी है? हाँ दी है। ओके तो पंत की जगह आपने फिर किसको बाहर निकाला? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो 11 बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ जी 11 पूरे बन रहे हैं। तो आपने अय्यर को नहीं टीम में रखा? हाँ मैंने अय्यर को टीम में नहीं रखा है। अब अय्यर को आप किसकी जगह यहाँ पे रखना चाहोगे? अगर रखोगे तो पंत टीम में ले आए, उतना काफी नहीं है 15 में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है अगले बंदे के पास, तब भी टीम में जुगाड़ करके ले आए हैं। यार कैसे ईशान किशन जैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे यार समझो यार, कुछ तो समझो यार। और अच्छा बोला भी था कि गलती से कॉन्ट्रैक्ट से निकाले गए थे दोनों। नहीं नहीं ये बोला था, ये किसी ने कोई गलती नहीं करी है भाई साहब, बाकायदा नीचे फुटनोट में लिख के दिया था। अच्छा। दोनों का नाम इनको बाहर किया जा रहा है, कहिए किया बहुतों को बाहर था लेकिन नाम इन्हीं का लिखा था, ये गलती नहीं हो सकती। ठीक है तो आप बताइए कि गलती से नहीं या पूरे फर्म एटीट्यूड के साथ कि क्या टीम इंडिया में केएल राहुल को जगह मिलेगी, हर्षित राणा को मिलेगी, या फिर पंत खेलेंगे? आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी टीम इंडिया कितने से जीतेगी ये सीरीज 2-0, 2-1 या 3। हाँ और 0 ऐसे भी। और श्रीलंका के अगेंस्ट आपको रिकॉर्ड बता दूं। बताओ जी। हाँ मैंने कहा जाते जाते एक वो फैक्ट थ्रो करना चाहिए। हाय 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 कि देखो जी 168 मैचेस हुए हैं, टीम इंडिया ने जीते 99, तो क्या 100वां मैच हम धूमधाम से जीतेंगे? जीतेंगे तो सही, लिखो नीचे, ये भी लिख दो। हाँ सारे काम कर दो। हाँ। बाकी क्रिकेट पे और सारा कंटेंट हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है रमित और आप देख रहे हैं जी स्विच।